कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस को अभी कुछ ही दिन हुए हैं। कोलकाता की सड़कों पर लोग अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इसी बीच ठाणे बदलापुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। इसी बीच महाराष्ट्र के बदलापुर में महज 3 साल की 2 स्कूली बच्चियों के यौन उत्पीड़न का बवाल मच गया। ये मामला सामने आते ही हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। यही नहीं, सड़कों पर उतरने के अलावा लोग लोकल रेलवे स्टेशन पर भी पहुंच गए और देर तक ट्रेनों की आवाजाही ठप रही। प्रशासन के बहुत समझाने के बाद भीड़ रेल की पटरियों से हट गई, लेकिन अभी भी इलाके में तनाव बरकरार है। दरअसल ठाणे जिले के बदलापुर में महज 3 साल की 2 बच्चियों से यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है। ये दोनों बच्चियां बदलापुर के ही एक को एड स्कूल में प्री प्राइमरी क्लास में थी। दोनों से एक स्वीपर ने यौन उत्पीड़न किया। वो उन्हें टॉयलेट में लेकर गया, जहां इस हरकत को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। ये वारदात 12-13 अगस्त को हुई थी, जब दोनों बच्चियां टॉयलेट गई थी। फिलहाल अदालत ने आरोपी अक्षय शिंदे को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। खुद CM एकनाथ शिंदे इस मामले में एक्टिव हो गए हैं। उन्हें मंगलवार को कहा कि हमें पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बता दें कि दोनों बच्चियों के परिवार वालों ने शुक्रवार रात को केस दर्ज कराया था, जिसके बाद खबर है कि आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। इस मामले में बाहर आने के बाद ही बदलापुर में बवाल मच गया। जिस तरह से कोलकाता के हॉस्पिटल में लोगों ने प्रदर्शन किया था, वैसा ही नजारा आज बदलापुर में देखने को मिल रहा है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद गुस्साई भीड़ और पुलिस के बीच मंगलवार को झड़प हुई। भीड़ ने पहले स्कूलों में तोड़फोड़ की, उसके बाद बदलापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकी। मंगलवार सुबह 8 बजे घटना से गुस्साए लोग बदलापुर रेलवे स्टेशन की पटरियों पर खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे। कई ट्रेनों को रोका गया। पुलिस ने भीड़ को काबू पाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। पुलिस पर भी पथराव हुआ। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। घटना में कई लोग घायल हुए हैं। 23 साल के आरोपी ने 16 अगस्त को स्कूल के बाथरूम में बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था। बच्चियों के पेरेंट्स ने एक दिन बाद FIR दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि इलाके की महिला इंस्पेक्टर शुभदा शितोले का ट्रांसफर कर दिया गया है। स्कूल प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला कर्मचारी को निलंबित किया गया है। मामले की जांच के लिए SIT गठित की है। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने को कहा गया है। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज स्टेट MPCG। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।